एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो बारी आ गई है अप्रैल के वेट लॉस चैलेंज की, हाउ यू कैन लूज योर वेट एंड स्पेशली योर बेली फैट इन समर्स ड्यूरिंग अप्रैल। चार ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली कॉज करती हैं बेली फैट को, वो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं बेली फैट को बढ़ाने में। सो कौन सी वो चीजें हैं और कौन से चैलेंजेस आप ले सकते हैं उस बेली फैट को कम करने के लिए। तो चार चीजें जो कॉज करती हैं बेली फैट को वो है, नंबर वन कॉन्स्टेंट फटीग एंड कॉन्स्टेंट टायर्डनेस। नंबर दो पर है नो और वेरी लो नीट। नाउ नीट क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। थर्ड नंबर पे है हमारी डाइट, यानी क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं फ्रॉम अ डाइट परस्पेक्टिव टू मेक श्योर कि आपका बेली फैट कम हो। और नंबर चार पर है जंक साइकिल। क्या है जंक साइकिल उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऑन एन एवरेज जो इंडियंस हैं वो 3 से 4 घंटे डेली समर्स में स्पेंड करते हैं फीलिंग टायर्ड, फीलिंग लेजी, फीलिंग वेरी फटीक, चाहे वो मेंटल फटीक हो, फिजिकल फटीक हो या फिर इमोशनल फटीक हो। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हफ्ते में एक दिन जो है वो सिर्फ फटीक होने में चला जाता है। यू डोंट रेस्ट इन दैट टाइम, यू डोंट रिकवर, यू डोंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है उस टाइम पे, लेकिन आपके हॉर्मोन्स पे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, साथ ही आपका स्ट्रेस उससे गेन होता है। तो क्यों आप टायर्ड फील करते हैं समर्स में, उसके कुछ बेसिक से कॉजेस हैं। लो अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप। आमतौर पर देखा गया है कि सोने का टाइम पीछे चला जाता है, यानी पीपल गो टू स्लीप स्लाइटली लेट। नेक्स्ट है ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग नहीं होना या फिर ब्रीदिंग पैटर्न में प्रॉब्लम या कॉन्स्ट्रेन होना किसी तरह का। जब हम लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं तो हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो कॉन्स्ट्रेन होता है, उसका स्पेशली मूवमेंट टूवर्ड्स आर ब्रेन, तो हमारी ब्रेन को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। एज ए रिजल्ट हमारा ब्रेन जो है वो बहुत टायर्ड फील होने लगता है, लेजी फील होने लगता है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। मॉर्निंग में उठ के अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आप हेड स्टैंड या कुछ ऐसे आसन करेंगे जिसमें आप ऑक्सीजन अपने ब्रेन तक ठीक से पहुंचा सकें। इसी तरह ज्यादा लंबे टाइम जब आप एक जगह बैठे रहते हैं तो उससे आपका पोस्चर भी खराब होता है और वो भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स योर बेली फैट। तो दो चीजें यहाँ पर आपको करनी है, ज्यादा लंबे टाइम तक बैठे नहीं रहना है, पोस्चर पे ध्यान देना है एंड मेक श्योर कि आफ्टर 40 मिनट्स टू 1 आवर आप थोड़ा सा वॉक करके आए या फिर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपका ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज हो या फिर आप डीप ब्रीदिंग करें। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सनलाइट। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज, कहेंगे समर्स में तो हमें बहुत सन मिलता है, बट डू वी एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द सन ड्यूरिंग समर्स। मॉर्निंग से ही सन रेज इतनी ज्यादा हार्श हो जाती है कि हम नहीं निकलते हैं सन में, हम नहीं जाते हैं वॉक करने। ऐसे में विटामिन डी का जब लेवल ड्रॉप होता है उससे भी बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होती है, इनफैक्ट उससे मूड पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। नाउ स्टे इन एसीज, पूरी तरह कवर्ड करके अपने आप को, तो हमें प्यास महसूस नहीं होती है। हम टायर्ड होते हैं, हमें प्यास लगती है, बट वी डोंट गेट द सिग्नल्स बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट वी आर लिविंग इन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइड्रेट रखें अपने आप को। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट थिंकिंग एंड नेगेटिविटी। यूजली वट वी डू जब भी हम टायर्ड फील करते हैं, वी गो ऑन टू सोशल मीडिया। जब भी हम टायर्ड फील करते हैं वी लाई डाउन ऑन द सोफा एंड वी स्टार्ट स्क्रॉलिंग आवर फोन, वो भी एक्चुअली आपको और टायर्ड फील कराता है। नेक्स्ट इज नॉट टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। नाउ कई लोग घंटों काम करते हैं बट देन उसके बाद सडनली उनके जो एनर्जी लेवल है उसमें ड्रॉप आता है, उसे रीगेन नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे ब्रेक लेके, एज आई सेड जस्ट सेट सम टाइम कि आपको 1 घंटे बाद डीप ब्रीदिंग करनी है, 4-5 डीप ब्रेथ्स लेनी है या फिर आपको वॉक करना है। नेक्स्ट इज पुअर डाइट एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नंबर टू जो मैंने फैक्टर बताया था आपको वो था नीट। नाउ व्हाट इज नीट? नीट का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी वर्कआउट के अलावा हम कौन सी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमारी कैलोरी बर्न करने में हेल्प करती है। सो हम हमेशा कहते हैं 70% हमारा वेट लॉस जो है वो हमारी डाइट पे डिपेंड करता है, रेस्ट हमारे एक्टिविटी लेवल पे। उसमें से अगर आप दिन में 40 मिनट का डेडिकेटेड वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, HIIT कार्डियो, तो वो आपका सिर्फ 15% ही कवर कर पाता है। रेस्ट 15
परसेंट जिसे हमेशा लोग इग्नोर करते हैं वो है आपका जनरल डे टू डे का आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। इसीलिए मैंने चैलेंज आपको दिया था कि 10,000 स्टेप्स आपको ऑन अ डेली बेसिस कवर करने हैं। ना उन 10,000 को आप कवर करने के लिए यू विल हैव टू वॉक, आप खाने के बाद वॉक कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ब्रेक्स में वॉक कर सकते हैं। नाउ दैट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वेट लॉस, और मैंने ये खुद देखा है विद माई क्लाइंट्स कि जिन लोगों ने एटलीस्ट 8,000 का भी टारगेट अचीव किया उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जल्दी बेनिफिट मिला है, जल्दी उनका बेली फैट लॉस हुआ है, जल्दी उनका ओवरऑल वेट लॉस हुआ है। तो ये जो नीड है, अगर आपका बहुत लो है, आपने अपना वर्कआउट फिनिश किया उसके बाद पूरे दिन आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, आप मूव नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल्स। 100% रिजल्ट के लिए आपको नीड इंक्रीज करना होगा, आपको आपकी नॉन जो एक्सरसाइज एक्टिविटीज है उन्हें इंक्रीज करना होगा। जैसे कि वॉक कर सकते हैं आप, फोन पे बात कर रहे हैं वॉक कर लीजिए, घर का काम आप कर सकते हैं उसमें स्टेयर्स, एज आई सेड डिच द लिफ्ट गो और यूज द स्टेयर्स। और ये नीट जो एक्टिविटी है वो तभी पॉसिबल है जो फटीक नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंटर रिलेटेड है। नाउ नीट के बाद जो थर्ड हमारा फैक्टर था वो था डाइट। नाउ किस तरह की डाइट होनी चाहिए, 4 आवर्स में आपको बताऊंगी। हैविंग द राइट मील एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी इन राइट स्टाइल और इन द राइट वे। तो एक एक राइट को हम देखते हैं, व्हाट इज द राइट मील टू ईट। तो राइट मील में सबसे पहले आता है इंक्लूड ग्रीन जूसेस इन योर डाइट, और इसमें जो मेरा फेवरेट है दैट इज व्हीट ग्रास और बार्ले ग्रास जूस, आप मॉर्निंग में पीजिए। नॉट ओनली इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। सर्दियों में हमें खूब मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स, लेकिन गर्मियों में डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हमें नहीं मिलती। दे आर हाई इन मिनरल्स, दे आर हाई इन विटामिंस, दे आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको डिटॉक्स करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो चीज आपको इंक्लूड करनी है, गॉड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स विच आर हाई इन फाइबर एज वेल एज हाई इन वाटर कॉन्टेंट। समर्स में 30-40% जो आपका वाटर का इंटेक होता है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही आता है, और इनमें फाइबर भी होता है। नेक्स्ट है, डू नॉट इग्नोर प्रोटीन। विंटर्स में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें प्रोटीन भी हमें मिल जाता है, बट इनका कंजप्शन थोड़ा कम हो जाता है इन समर्स। तो कैसे आप भरपाई करें, बेस्ट जो मुझे सोर्स लगता है, हैव स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को आप सैलेड के फॉर्म में खाइए। एश गॉर्ड, सफेद पेठा जो होता है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दूध से जो लोग थोड़ा सा एलर्जिक होते हैं वो आराम से बटर मिल्क ले सकते हैं। तो आप रात को दूध लेने की बजाय दोपहर में उसका बटर मिल्क बनाकर यानी छाछ बनाकर, जिसमें आप जीरा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, नमक, पिंक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट होता है, कोरिएंडर इज अमेजिंग अगर आप उसके साथ उसमें ऐड करें। प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोबायोटिक्स के लिए आप कांजी भी ले सकते हैं। मैंने आमली की रेसिपी शेयर की, विच इज अनदर गुड ड्रिंक, जिससे विटामिन B12 भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी इंडियन समर ड्रिंक्स मिलेंगे जो आप डाल सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। कोकोनट वाटर है, शिकंजी बना सकते हैं आप, बाकी दूसरी जो कांजी बनती है वो बना सकते हैं, इसके अलावा आप आम पन्ना बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है किस टाइम पर खाएं, तो यहाँ पर आपको छोटी मील लेनी है। समर्स में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एक टाइम पे आपका स्टमक ब्लोट फील हो सकता है, वैसे भी गर्मी बॉडी के अंदर बढ़ी हुई होती है इस टाइम पे, तो आप छोटी मील्स लेंगे और फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे। हैव अ टाइम टेबल कि आपको हर 2 या 3 घंटे में छोटी छोटी मील्स लेनी है, एंड दैट मील कैन बी वन ड्रिंक, वन फ्रूट, वन सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स, और मेन मील को भी आपको छोटा करना होता है इस टाइम पे क्योंकि आप फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हैं। व्हाट इज द राइट वे, ईट स्लो, chew your food properly, eat without distraction, जो मैं हमेशा कहती हूँ, don't drink water between the meal। आपको avoid क्या करना है, आपको crap avoid करना है। What is crap? Now crap का मतलब होता है C for caffeine। आपको caffeine का consumption कम करना है इस time पे। आप herbal tea ले सकते हैं, मैंने barley tea, barley coffee की recipe share की है। R stand for ready to eat food, जितने भी हमारे cereals आते हैं, ready to eat food आते हैं कि भाई गर्म करो, instant noodles आते हैं, वो आपको avoid करना है। A का मतलब है alcohol, alcohol भी आपको उसका consumption जितना कम रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। And P stands for प्रोसेस्ड फूड, तो जितने भी ये प्रोसेस्ड स्नैक्स आते हैं, जितनी भी मील्स आती हैं, जितने भी ये रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई चीजें आती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। नाउ लास्ट फैक्टर जिसके बारे में मैंने बात की थी कि जंक साइकिल को आपको ब्रेक करना है। जंक साइकिल बेसिकली इज ऑल्सो रिलेटेड टू फीलिंग टायर्ड। सो व्हेन यू फीलिंग टायर्ड, आपका एक जंक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। नाउ दैट साइकिल इंक्लूड्स जंक फीलिंग लो
और फीलिंग फटीक लीड्स टू जंक थॉट्स, उससे आपका जंक बिहेवियर ट्रिगर होता है. नाउ दैट जंक बिहेवियर ट्रिगर्स जंक ईटिंग, यानी जब भी आप इस तरह से लो एंड व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड आउट यू टेंड टू ईट मोर जंक, मोर प्रोसेस्ड, मोर रिफाइंड, मोर रेडी टू ईट फूड एंड दैट मेक्स यू फील मोर जंक. और ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है. कई बार स्पेशली लोगों को एक सर्टेन टाइम पे जंक खाने की आदत होती है. मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैव दिस फीलिंग कि 4-5 बजे के आसपास उन्हें सडनली क्रेविंग होती है कुछ जंक खाने की. कई लोगों को रात में ये क्रेविंग होती है. सो देयर टू थिंग्स यू कैन डू टू ब्रेक दिस साइकिल. नंबर वन, अवॉइड सोशल मीडिया. नंबर टू इज हैव अ डंपिंग जोन. एक डंपिंग जोन का मतलब है हैव अ प्लेस, अ डायरी और अ पेपर और मे बी एन ऐप और मे बी आपके फोन में कोई ऐसा स्पेस जहां पे जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं इस टाइम पे व्हेन यू फीलिंग टायर्ड. कई बार वो थॉट्स अच्छे भी हो सकते हैं. सो पूरे दिन में जो भी आपको अचानक कोई थॉट आए, कोई आइडिया आए, मेरे लिए वो आइडिया होता है कोई रेसिपी आइडिया, कोई वीडियो से रिलेटेड आइडिया, या फिर कोई ऐसा काम याद आता है आपको जो बहुत टाइम से पेंडिंग है बट सडनली आपको याद आए कि आयो मुझे वो कॉल करना था, मैसेज करना था, मुझे वो ईमेल करना था, मुझे ये ऑर्गेनाइज करना था, मुझे वो चीजें वहां पहुंचानी थी. सो ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए आप उसे लिखें कहीं पे, क्योंकि जब आपके माइंड में ऐसे थॉट आते हैं आप उसमें कोई एक्शन नहीं लेते हो तो वो रिकर होते रहते हैं, यानी बार बार आते रहते हैं. क्यों बार बार आते रहते हैं? बिकॉज एक टाइम पे आपके माइंड में सिर्फ 2 या 3 चीजें ही रह सकते हैं. योर माइंड इज नॉट मेड टू स्टोर थिंग्स, टू स्टोर थॉट्स. तो ये फालतू का बर्डन क्रिएट करते हैं आपके माइंड पे विच मेक्स यू फील मेंटली टायर्ड एंड बर्न आउट. एंड उसमें आप थॉट्स लिख सकते हैं जैसे कि हम जर्नलिंग करते हैं. सो यू कैन स्टार्ट समथिंग लाइक दिस एंड डिजिटल डिटॉक्स आपको करना है. सो ये पूरा चैलेंज अगर आप लेंगे जिसके अंदर सबसे पहले आता है कि आप टायर्ड ना रखें अपने आप को एक्टिव रखें, उसके लिए स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी है जो मैंने बताई है. नीट को आपको इंक्रीज करना है, आपको डाइट को ठीक रखना है एंड आपको अपना जंक का जो ये साइकिल है इसे ब्रेक करना है. एंड ऑल दीज इन टोटल विल डेफिनेटली हेल्प यू लूज वेट ड्यूरिंग समर्स. या आपको बेली फैट भी कम करने में हेल्प करेंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अप्रैल वेट लॉस चैलेंज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून. बाय बाय.